प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भंवर के खिलाफ प्रदेश के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने मोर्चा खोल दिया है। आज पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने जीतू पटवारी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश की कमान किसी जीते हुए नेता के हाथ में देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पटवारी के नेतृत्व में काफी नुकसान उठा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने सोमवार को इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि पटवारी की मनमानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो रहा है। पटवारी की मनमानी के चलते ही प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान वोट में काफी कमी आई। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। यह निर्णय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है। चौरड़िया का आरोप है कि जो व्यक्ति खुद अपनी विधानसभा से हार गया उसे प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। यह पटवारी का ही कार्यकाल है जिसमें कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अन्य पार्टी ज्वाइन की। चौरड़िया ने कई नेताओं से चर्चा का जिक्र किया और बताया कि प्रदेश के कई विधायक भी पटवारी के व्यवहार से खफा है और खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी पत्राचार किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ कि AICC के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के रहते ही इस प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और ख़राब होगी। जीतू पटवारी जी समझ रहे हैं कि 5 साल के बाद वापस चुनाव आएंगे, तब तक मैं स्थितियाँ सुधार लूँगा। तो जीतू भाई से मेरा निवेदन है, आप सबके माध्यम से हाईकमान से निवेदन है कि अगले 2 साल के बाद तैयारी करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, नगरपालिका के चुनाव आ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में संगठन के जीतू पटवारी जी हैं। मैं जीतू पटवारी जी के ऑफिस को कई बार इन सारी चीज़ों से अवगत करा चुका हूँ, उनके व्यवहार के मामले में, उनकी भाषा के मामले में, उनकी कार्यशैली के मामले में और उनके बारे में जो लोग क्या सोचते हैं। अभी एक दिन मैंने फ़ोन पर उनको बोला, मैंने कहा जीतू भाई अपनी स्थिति प्रदेश में बड़ी ख़राब है, BAVV का मामला था, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा जीतू भाई अपने प्रदेश में अपनी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, अपने स्वभाव में, अपनी कार्यशैली में और कार्यकर्ताओं के साथ आमूल चूल परिवर्तन करिए और मध्य प्रदेश को समझने के लिए, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने के लिए एक मध्य प्रदेश की पदयात्रा कर लीजिए। मैं आपके साथ उसके चलने के लिए तैयार हूँ। आप 2 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए, उनको कार्यालय का काम सौंपिए और निकलिए सड़क पर। हमारे नेता राहुल जी सड़क पर निकले, आज पूरे देश की फिजा बदल चुके हैं, पर उनको कुछ करना ही नहीं है, कार्यालय में जाना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं है। अरे मेरा कहना है कि नेता वो होता है तो जो लीडर पैदा करता है, फॉलोअर पैदा करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता। जीतू पटवारी जी को केवल अपने फॉलोअर बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रदेश के जिन नेताओं को वो साइडलाइन कर मार्गदर्शन मंडल में ले जाने की कोशिश कर रहे, उन लोगों का अनुभव, उन लोगों का लोगों के साथ समर्पण संबंध, वो चाहे प्रेस हो, व्यापारी वर्ग हो, कार्यकर्ता हो, जीतू पटवारी जी की उम्र से ज़्यादा है। उन बड़े नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश को, प्रदेश के हित में कई काम किए हैं, उन लोगों को आप साइड ट्रैक कर क्या बताना चाहते हैं? आपने लोकसभा चुनाव में गलत टिकट बंटने का आरोप भी लगाया है, उसमें क्या सच है? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं, जब बात चली रही है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को अब मेरे ऊपर कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। पर चूंकि मैं अभी कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा और आप सबसे वचन करता हूँ कि जिंदगी के अंतिम दिन अपने दिल में, अपने दिमाग में कांग्रेस का झंडा उठाकर ये दुनिया छोड़कर आगे जाऊँगा। We'll be right back.